हेलो एवरीवन, आप सभी का नेहू के ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी ना मैं स्कूल को जा रही हूँ और हवा चल रही है और मुझे नहीं पता कि मेरे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही आप तक, लेकिन आज शायद हम लोग जा सकते हैं मार्केट, मौसम अगर ठीक रहा तो। क्योंकि ना हमारे साथ बहुत बड़ा सा स्कैम हो गया। हमने बच्चों के लिए शर्ट मंगाई थी, 4 शर्ट्स मंगाई थी, तो क्या हुआ ना 800 रुपीज़ 200 पर का था। तो क्या बोलते हैं, हाँ, 2 बार मंगाई हमने, एक बार मंगाई एक ही शर्ट आई 4 के बदले, फिर हमने उसको वॉर रिटर्न किया। वो तो अच्छा हुआ मीशो से मंगाई और पैसे भी वापस आ गए, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें पैसे वापस ही नहीं आते मीशो में। तो फिर शर्ट मंगाई, दोबारा मंगाई, जो दोबारा ज्योति मैम ने मंगाई अलग अलग बार, मतलब अलग अलग बार, मतलब एक एक करके मंगाई, ऑर्डर प्लेस किया मतलब, तो उसमें भी एक ही शर्ट आई, बताओ। अब हम लोग ने बोला 2 बार तो हमारे पैसे वापस आ गए, तो 3री बार मंगा के हम अपने पैसों को खतरे में नहीं डालेंगे, वैसे भी वो हमारे पैसे नहीं है ना, हमारे रुपए नहीं मतलब। तो हम आज मार्केट जा सकते हैं और बच्चे के लिए शर्ट लानी पड़ेगी, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स से पैसे लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो निभानी तो पड़ेगी। इसलिए ज्योति मैम और मैं जा सकते हैं मार्केट को, तो लेट्स गो। और अभी ठंडा भी हो रहा है, तो थोड़ी सी धूप आ गई, ओह माय गॉड, दिख रही होगी आपको मेरे फेस पर, तो चलो चलते हैं। आप लोग देख सकते हो बेचारे गेहूँ पीले हो गए और इतने ढल गए ये हवा और बारिश के चक्कर में। यहाँ को तो कम हुए, ये वाले तो बहुत ही ज़्यादा ढल गए हैं। हम लोग पहुँच गए स्कूल पे और आज हम दोनों जाने वाले हैं मार्केट। या घूमने नहीं जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं, मैंने उनको बता दिया हमारा बहुत बड़ा सा स्कैम जो हमारे पास साथ हुआ था, हम उसको क्लियर करने जा रहे हैं, क्लियर, क्योंकि पैसा हमारे पास है, पैसा हमारे पास। हमारा पैरा कल्ली, उसका नाम क्या है असली? मयंक। मयंक, मयंक राना है। तो ये रहा मृत्युंजय, मेरा बेबी छुटसा, और ये हो गई स्कूल की छुट्टी, बस वाले बच्चे थोड़े से बच्चे हैं यहाँ पे। और ये वैसे मैं इसको बेबी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये मैं इसको प्यार से बेबी बोलती हूँ, असली का बेबी थोड़ी है मेरा, ये इतनी सतानी करता है ये। बेबी इसको मारूँ इसको? कौन है ये? दादा? नहीं तो तुम्हारा दादा थोड़ी है ये, दादा है आपका? हैं, कौन है एरोप्लेन? कहाँ गया? छल्ले गए? कोई बात नहीं, दोबारा बना देगा दादा। दादा से पूछो एयरप्लेन कहाँ है। मैं इसको मारती हूँ, अब मैं इसको मारती हूँ, हमारे नहीं, 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 तुम कौन है? अभी दे देंगे वो। कौन है ये, कौन है बोला तुमने? महेश। अभी दे देंगे वो। मेरा महेश है बोला तुमने? हाँ। कौन है ये? महेश। तुम्हारा महेश? हाँ। तुम्हारा? हाँ। तुम्हारा कब से हो गया? तो अभी हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। हम लोग आए हुए हैं मीटू में। ज्योति मैम इज कंफ्यूज गाइस, ले लो बोलो इनसे, ले लो बोल रहे हैं, ले लो पैंट पहनोगे घर में, दूस चेंज करके आओ। नहीं ले रही, नहीं ले रही है शर्ट। यहाँ पर हम अभी बच्चों के लिए शर्ट देख रहे हैं, भैया हमको दिखा रहे हैं शर्ट, जो देखो फगुनिया देख रही है, देखते छोटा साइज है। और रजनी मैम ये मेरी भाई मेरे बच्चों के लिए लेने वाली है, इनके बच्चों के लिए लूँगी मैं, बाद में कद लूँगी मैं। तो हमको मिल गई है शर्ट, हाँ ज्योति मैम हमको शर्ट मिल गई 20 रुपये बचे, बड़े मुश्किल से हमें 4 शर्ट्स मिली 8 में, भगवान दयाल हो गए हमारे लिए, वरना तो हम जाते अभी हमारी सैलरी जाती पूरी। मैम दी मैम के लिए हम खाएंगे गोलगप्पे, क्या खाओगे? मैं नहीं खाऊंगी कुछ, आई एम ऑन डाइट, अभी दिखाऊंगी क्या खाती हैं। माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, ये हमें फ्री में मिली है गाइस, बता दूं किसने ये बता दूं, ये वो जो होटल वाले अंकल हैं ना
ने हमारी बोली तरह देखते हैं इतनी बोली है सुई भी ना दे अपनी दुकान से। तो गाइज मैं अभी घर पहुंच चुकी हूं और बहुत ज़्यादा 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 वाला थक गई हूं। आई एम बीइंग सो टायर्ड। कल संडे है तो थोड़ा ऐसा सुकून मिल रहा है कि हाँ कल संडे है सर लेते रहेंगे मजे से यहाँ मजा आएगा। तो गाइज अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ बाकी तो अभी देखते क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे मैंने घर के लिए कुछ डब्बे मंगाए थे किचन के लिए तो वो आ चुके हैं। अब देखते हैं कैसे आए हैं। होप सो कि जैसे मीशो वाला स्कैम हुआ था ये भी स्कैम के रूप में ही ना आए कहीं। 18 पीस बोले थे छोटा सा डब्बा लग रहा है पता नहीं कितने आए होंगे। लेट्स सी। तो चलो गाइज इसको खोल के देखते हैं। आ गए हैं गाइज और ये अच्छे ये तीन आए इसके अंदर ऐसे अंदर के अंदर आए और इसके साथ सबसे अच्छा है स्पून मिल रही है तो सबकी स्पून है काम कर। मैंने ना वो बॉक्सेस मंगाए थे मसाले वाले तो मैंने किया ना और मैंने एक वॉलपेपर मंगाया था तो मम्मी अभी बर्थडे में गई थी तो मैंने ना पूरा किचन रेडी कर दिया वॉलपेपर लगा दिया और अब बच गया है बाद में मंगा के और लगा दूँगी। और मैंने वो डब्बों में भी सेट कर दिया है तो मम्मी को पता नहीं है ये मैंने सेट कर दिया है। और ये जो डब्बे आए थे जितना जितना अटक पाया उतना मैंने अटका दिया इसमें बाद में अच्छे से सेट कर लेंगे जल्दीबाजी में क्या अभी। और ये मैंने वॉलपेपर लगाया मस्त लग रहा है ना गाइस। बस अब इतना किया अभी मैं सोचूं नीचे भी लगा दूँ इसी को मंगा के क्योंकि दोनों फिर एक जैसा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ तो अभी इतना ही लगा है। अभी मम्मी नहीं आई अंदर मम्मी आएगी फिर सरप्राइज मिलेगा। क्या बना रखा तुमने किचन में से? वॉलपेपर लगाया मैंने। वो किचन में ऐसा क्यों लग रहा है? कैसे लग रहा है? मस्त लग रहा है। अभी कम पड़ गया इतना ही लगा थोड़ा सा और बचा था। हाँ पड़ा है नहीं ये यहाँ इतना ही आता है ना बाद में मंगा के फिर नीचे को लगा नीचे भी ऐसे ही लगा दूंगा फिर दोनों एक जैसे हो जाएंगे। जो मैंने देख लिया मम्मी को एकदम से ऐसा लगा 2 मिनट के लिए कि ये मैं कहाँ आ गई किसके किचन में आ गई। कबाड़ा तो है अच्छे से साफ सफाई कर रखी मैंने साफ करी जब से आप गए हो तब से मैं साफ है। नीचे को इग्नोर करो गाइस क्योंकि मम्मी अभी जल्दी आ गई थी ना तो मैंने जल्दी से सारा सामान नीचे फेंक दिया और ऊपर अच्छा कर दिया। पैसा ना देखो आप डब्बे देखो छोटे भी अभी एक ही साथ आए थे। हाँ इसके अंदर छोटे हैं मतलब ये इसको खाली कर दिया इसके अंदर छोटा छोटा तीन है एक के अंदर इसमें दाल आ जाएगी दाल और सब्जी बड़ी होगी। अभी देख रही है क्या इस मैम मतलब मम्मी इसको। और मैंने सोचा था कि मैं ये सब करते हुए वीडियो बनाऊं लेकिन मेरा ना कैमरा ही का वो बैटरी घुस हो गई थी मतलब फ़ोन की बैटरी नहीं हो गई तो चार्ज करने को रखा था और लाइट भी आजकल आ जा रही है तो उसकी वजह से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मम्मी को तो एक थैंक गॉड पसंद आ गया नहीं तो क्या बोलते हैं हाँ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं अपने अपने अड़ोस पड़ोस बगल इधर उधर इधर उधर फैला दो गाइस है ना दोस्तों। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।